नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको बताएंगे डिस्क ब्रेक की एयर कैसे निकालते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, आज हम आपको बताएंगे डिस्क ब्रेक की एयर कैसे निकालते हैं, वो भी सिर्फ दो मिनट में हम आपको एयर निकालना सिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है एयर निकालने में। हमारे मिस्त्री भाइयों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है, क्योंकि बहुत से मिस्त्री ऐसे हैं वो एयर नहीं निकाल पाते हैं। आज हम उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, और दो मिनट में एयर कैसे निकलती है वो भी हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। हाँ, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे हमारी न्यू वीडियो आपके पास जब भी हम अपलोड करें तो जल्द से जल्द आ सके। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, हम इस गाड़ी की डिस्क ब्रेक की सर्विस कर रहे हैं, और इसमें शायद है 2-3 साल हो गए होंगे तब से सर्विस का कुछ भी नहीं हुआ, ऑयल तक नहीं चेंज हुआ है। और जबकि ऑयल हमें साल भरे में चेंज करा देना चाहिए, जिससे इसमें कचड़ा नहीं आएगा और हमारी जो डिस्क ब्रेक है वो कभी भी जाम नहीं होगी। आप देख सकते हैं इसमें कितना कचड़ा है, आपके सामने ये लाइव प्रूफ है इसमें कितना कचड़ा है। चलिए, हम इसको साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद अब हम सबसे बड़ी, देखिए प्रोसेसिंग यहीं पे आती है, यहीं पे हमारे मिस्त्री भाई गलती कर देते हैं। सबसे बड़ी प्रोसेसिंग यहीं है, यहीं से एयर निकलेगी, यहीं से मतलब सब काम यहीं से होगा। जो भी हमारी दिक्कतें आती हैं यहीं से आती हैं, एयर ना निकलना। चलिए, हम बुश को लगा लेते हैं। बुश को मैंने आप देख सकते हैं मैंने बुश को लगा लिया है। अब एक बुश को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो दूसरा बुश हमारा रहता है उसमें हम ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालते समय इस चीज़ का ध्यान रखें ज़्यादा ओवर ऑयल ना भरें, थोड़ा ही मतलब उतना डालें जो ऊपर हमारी सील होती है वहीं तक ऑयल रखें। उसके बाद हम इस बुश को लगाएंगे। बुश को लगाते हैं तो पूरा नहीं दबाना, थोड़ा ही दबाएंगे जिससे ये हाल में हिलगा रही, जिसे आप देख सकते हैं मैंने दबाया, ये थोड़ा हाल में हिलगा रही। इससे हम क्या करेंगे, अब ऊपर जो है हमारी पंप है उस पंप को हम खोलेंगे और उसमें जो ऑयल है उसे साफ़ करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कितना सारा कचड़ा है, इसे हम आप साफ़ करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा कचड़ा है, ये मूवी ऑयल चेंज नहीं कराते हैं, इसकी वजह से ये हो जाता है। चलिए, हम इसे साफ़ कर लिया है हमने। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखिए जो मैंने आपको बस बताया था थोड़ा थोड़ा ही मतलब लगा रहे, अब उसे हम अंदर दबाएंगे और जो हमारा पाइप में जो पुराना तेल है वो वापसी निकल जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ निकल जाएगा वापसी। इसे हम अंदर दबा देंगे। अंदर दबाने के बाद जो हमारा पाइप का तेल है वो डबिया में पहुंच चुका है, हम उसे साफ़ कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये डबिया में आ गया है, अब हम इसे साफ़ कर लेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा होगी। नीचे तेल भरा था वो हमारे पाइप में बराबर आ गया, बुश को हमने जैसे ही दबाया वो हमारे पाइप में आ गया। उससे ये होता है ज़्यादा एयर भी नहीं बनती है और हमें एयर ज़्यादा निकालने में दिक्कत भी नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़, अब हम ऊपर तेल भरते हैं डबिया में, तेल डालेंगे डब्बी में। तेल डालने के बाद अब हम इसे कस देंगे, मतलब यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो गया है, अब हम इसे कस देंगे। चलिए, कस लेते हैं, पैकिंग को अच्छी तरीके से बिठा लेंगे, उसके बाद कस देते हैं। भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो प्लीज़ यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए, हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आएंगे, मतलब ऑयल पंप आप कैसे चेक कर सकते हैं ये ख़राब है या सही है, इसके बारे में हम एक वीडियो और जल्द से जल्द लाएंगे। चलिए, हम इसे कस लेते हैं, पेच को हम कसेंगे। चलिए, हमने ऊपर कस लिया है, अब हम इस क्लब को लगाएंगे। क्लब को लगाने के बाद फिर हम पैड लगाएंगे, और अब हम आपको बताएंगे 2 मिनट में कैसे निकालें एयर।
पैड को हम लगा लेते हैं, पैड को हम कस लेंगे। पैड को कसने के बाद फिर हम डिस्क ब्रेक कस देंगे, फिर हम आपको बताएंगे एयर कैसे निकलती है। बहुत ही आसान तरीका है। पहले हम डिस्क को कैदी से कस लेंगे, कसने के बाद अब हम एयर निकालेंगे। देखिए पहिया घुमा के देख लेते हैं हमारा पहिया फ्री है या नहीं है, फिर हम एयर निकालेंगे। अब एयर निकालते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़, लीवर को हम पहले चलाएंगे, दो तीन बार चला देते हैं लीवर को। उसके बाद हम जो एयर हम निकालते हैं इस बोल्ट को कस देंगे। कसने के बाद फिर एक दो बार लीवर चलाएंगे और फिर जो बुलेट होता है उसे हम खोलते हैं, क्योंकि जो हमारी एयर बनी हुई उसके अंदर वो निकल जाए। थोड़ा खोलेंगे फिर कसेंगे। देखिए दो चार बार लीवर चलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि तब तक एयर नहीं निकलेगी। दो चार बार लीवर चला देंगे और लीवर चलाने के बाद जो हमारा एयर वाला पेच है उसे हम खोल देंगे, उसे खोल देंगे। और सबसे बड़ी चीज़, उसे खुला ही रहने देंगे और जो हमारा लीवर है उसे हम दबा लेंगे और तब तक नहीं उसे छोड़ेंगे जब तक हमारा एयर वाला बुलेट कस ना दें। एयर वाला बुलेट कस दें उसके बाद लीवर को छोड़ दें। जब एयर वाला बुलेट हमारा कस गया उसके बाद हम लीवर को छोड़ देंगे, जो हमारा एयर हो वो निकल जाएगी और तेल आ जाएगा उसमें पाइप में। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। चलिए ब्रेक हमारी सेट हो गई है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई दिक्कत आओ तो SMS करना, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे।